कानपुर के चौबेपुर के बिकरू गांव में 2 जुलाई की रात को हुई 8 पुलिस कर्मियों की हत्या में शादी के 9 दिन बाद ही जेल भेजी गई अमर दुबे की पत्नी खुशी के खिलाफ पुलिस के पास पर्याप्त सबूत हैं। पुलिस के मुताबिक शमा रेखा और शांति की तरह खुशी को भी जेल में ही रहना पड़ेगा। विकास दुबे के बेहद खास अमर दुबे को हमीरपुर में एसटीएफ ने मार गिराया। पुलिस ने उसकी पत्नी खुशी को साजिश में शामिल होने के आरोप में जेल भेजा। अमर और खुशी की शादी 29 जून को हुई। 30 जून को वो बिकरू गांव पहुंची। 2 जुलाई की रात को ये घटना हो गई। ऐसे में खुशी के खिलाफ कोई सबूत न मिलने को लेकर पुलिस उसे रिहा करने की तैयारी में थी, लेकिन इसी बीच विकास के साथ ही शशिकांत की पत्नी मनु की कुछ कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हो गई। इसके बाद खुशी भी जांच के दायरे में आ गई। मामले की पड़ताल की गई तो खुशी के खिलाफ साजिश में शामिल होने से जुड़े कई सबूत एसटीएफ को मिले हैं। इसके बाद बिकरू कांड में पुलिस का नाम भी जोड़ लिया गया। आईजी मोहित अग्रवाल का कहना है, खुशी के खिलाफ हमारे पास पर्याप्त सबूत है। आपको बता दें, बिकरू कांड में खुशी के परिजनों ने कोर्ट में याचिका दायर की और ये सवाल उठाया, ये दावा किया कि हमारी बेटी नाबालिग है, बावजूद उसे पुलिस ने जेल में रखा है। बाद में पता चला तो खुशी नाबालिग साबित भी हो गई, लेकिन अभी एसटीएफ पुलिस को इस पूरे कांड में खुशी को आरोपी साबित करने में लगी है। अधिकारियों का दावा है कि हमारे पास खुशी के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं, जो उसकी साजिश बिकरू कांड में साबित करते हैं। एसपीएन 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।